भी छोड़ दिया पीछे और कैसे शहनाज गिल और भूमि पेडनेकर ने सबके सामने करा ली अपनी बेइज्जती और 3 फुट के इस एक्टर की 3 फिल्मों ने कमाए 1900 करोड़ रुपए और यह है दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी। लेकिन मिलते हैं करोड़ों रुपए, आखिर क्यों शाहरुख खान के साथ काम कर पछता रही है एक्ट्रेस और क्यों एप्पल को मांगनी पड़ी सैमसंग से भीख? आज के वीडियो में हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, जब आप VR पर गेम खेलते हो तो बैठकर या खड़े होकर खेलते होंगे, लेकिन अगर हम आपको कहें कि अब आप उड़ते हुए भी खेल सकते हो तो जी हां, मार्कस नाम के एक शख्स ने ऐसी कुर्सी बनाई है जिस पर बैठकर आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। आप असल में हवा में तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन आपको हवा में उड़ने जैसा एहसास होगा। कमाल की बात यह है कि आप इस कुर्सी के जरिए बैठकर लेटकर उड़कर जैसे मर्जी चाहो वैसे गेम खेल पाओगे। इस शख्स की क्रिएटिविटी देखकर एलन मस्क भी सोच रहे होंगे कि काश इतना टैलेंट मेरे पास भी होता। फैक्ट नंबर 11, शहनाज गिल जब बिग बॉस में आई थी तो अपनी मासूमियत से सबका दिल में बस गई थी। भूमि पेडनेकर ने भी अपनी एक्टिंग स्किल से किसी का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन दिनों ये दोनों ही एक्ट्रेस को उनके फैंस ही ट्रोल करने में लगे हुए हैं। शहनाज और भूमि की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग पिछले महीने रिलीज हुई है, फिल्म तो नहीं चली, ऊपर से दोनों अपनी बेइज्जती और करा बैठी। दोनों को उनकी ओवर एक्टिंग और खराब ड्रेसिंग सेंस के लिए काफी ट्रोल किया गया था। इसके अलावा दोनों एक्ट्रेस अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने यह साबित कर दिया कि कद काठी रंग रूप मायने नहीं रखता। अगर आपके पास टैलेंट का खजाना हो तो अगर आपको साउथ की फिल्में देखने का शौक है तो आपने इस एक्टर को तो जरूर देखा होगा। यह तमिलनाडु के जाफर सादिक, जिनकी 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। उन्हें विक्रम जेलर और जवान जैसी बड़ी फिल्मों में काम करते देखा गया है। शाहरुख खान उनके साथ इसी पोजीशन पर है, जबकि जूनियर NTR, रामचरण, यश और रजनीकांत जैसे कलाकार भी उनसे थोड़ा पीछे रह गए। 4 फुट 11 इंच का ये एक्टर जब भी किसी फिल्म में आता है हीरो पर भी भारी पड़ जाता है। फैक्ट नंबर 9, नोटों पर कई तरह के डिजाइन और पैटर्न्स बनाए जाते हैं जिसके पीछे की वजह कम ही लोग जानते हैं। आपने भी देखा होगा कि कैसे महात्मा गांधी के सिर के ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के सर्कल यानी डॉट होते हैं, लेकिन ये किसने बनाए इसे लेकर अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। इन सर्कल की वजह से आप नकली नोट नहीं बना पाते। अगर आप नोट को प्रिंटर में डालेंगे तो कभी कभी उसमें भी लिखा होता है कि नकली नोट बनाना गैरकानूनी है। ये पैटर्न दुनिया भर के नोट में आपको देखने को मिल जाएंगे। जापानी नोट में सर्कल की जगह फूल बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, कभी आपने सोचा कि दुनिया भर के सारे एक्सपेरिमेंट स्प्लेंडर बाइक के साथ ही क्यों किए जाते हैं? कभी कोई उसमें बार खोल देता है तो कभी रावण जैसे उसके कई सारे सिर बना देता है, जैसे देखो वो स्प्लेंडर बाइक ही लेकर घूमता है, आखिर क्यों? तो चलिए आपको बता देते हैं, स्प्लेंडर बाइक अपने माइलेज के लिए काफी मशहूर है। ये 60-70 का माइलेज देती है जिस वजह से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। यही कारण है कि स्प्लेंडर ज्यादा सबसे बिकने वाली बाइक है, लोग भी स्प्लेंडर जैसी बाइक खरीदने के लिए उतावले हुए रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, 3 साल का मॉडलिंग करियर छोड़कर क्यों मुंबई की इस लड़की ने खिचड़ी बेचना शुरू कर दिया? हम बात कर रहे हैं आभा सिंगल की, जिनका बचपन बड़ी मुश्किलों में गुजरा है। जब वो 12 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उसके बाद आभा ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने पैसे कमाने के लिए मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया। वो 3 साल तक मॉडलिंग करती रही, लेकिन जब उन्हें इसमें फ्यूचर नजर नहीं आया तो वो परेशान रहने लगी। तब उनके दोस्तों ने उन्हें खिचड़ी एक्सप्रेस खोलने का आइडिया दिया। दरअसल हॉस्टल में आभा की खिचड़ी लोगों को काफी पसंद आती है, वो अलग अलग तरह से खिचड़ी बनाया करती थी। ऐसे में कोरोना में भी मरीजों को सबसे ज्यादा यही डिश दी जाती थी। यही कारण है कि केवल 4 सालों में खिचड़ी एक्सप्रेस ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। फैक्ट नंबर 6, आप सोच रहे होंगे कि ये लोग रोड पर से क्या निकाल रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये लोग टायर की वो लेयर निकाल रहे हैं जो रेसिंग के समय गर्म होने पर सड़क पर चिपक जाती है। रेसिंग के दौरान फुल स्पीड से गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हैं, ऐसे में उनके टायर काफी गर्म हो जाते हैं और उनकी परत सड़क पर चिपक जाती है। यही कारण है कि बीच रेसिंग की गाड़ियों के टायर भी बदले जाते हैं। समय समय पर रोड पर से टायर्स की लेयर को निकालना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए पूरी दुनिया मर रही है। जो कलाकार एक बार उनके साथ स्क्रीन शेयर कर ले उसकी तो मानो किस्मत ही खुल जाती है, लेकिन एक ऐसी भी एक्ट्रेस है जिन्हें किंग खान के साथ काम कर पछतावा हो रहा है। यह है रिद्धि डोगरा, जिन्होंने फिल्म जवान में SRK की माँ का रोल किया था। शुरू में तो उन्होंने जोश जोश में हाँ कह दिया, लेकिन बाद में जब उन्हें माँ के रोल के लिए ऑफर होने लगे तब वो पछताने लगी। शाहरुख ने भी उनके बयान पर रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, काबा की दरार को सऊदी अरब की सरकार भरते भरते थक गई है। कई इंजीनियर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों इस दीवार में आई दरार भर नहीं पा रही है। इस दरार को रुकने यमानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इसका निर्माण तब हुआ जब हजरत अली की माँ गर्भवती थी और काबा में प्रार्थना करने आई थी। इस दौरान उन्हें लेबर पेन हुआ और उन्होंने खुदा से मदद मांगी। तब काबा की दीवार खुल गई और उसके अंदर उन्होंने हजरत अली को जन्म दिया। दीवार तो फिर से बंद हो गई, लेकिन दरार में एक स्मृति चिन्ह बनकर रह गया। बाद में कई बार काबा का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन हर बार ये दरार फिर से उभर आती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की दो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दोनों कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं गवाते, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एप्पल को सैमसंग के आगे भीख तक मांगनी पड़ी। दरअसल सैमसंग अपनी OLED डिस्प्ले को लेकर जाना जाता है जो वो खुद बनाता है। आईफोन 15 के समय एप्पल ने सोचा कि इस बार वो भी OLED डिस्प्ले बनाएंगे, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाए। फिर वो चले गए सैमसंग से भीख मांगने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो एप्पल जैसी कंपनी नहीं बना पाई, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी पर सैमसंग ने सालों तक रिसर्च और मेहनत की है, इसलिए इस मामले में आज तक कोई भी कंपनी सैमसंग को छू नहीं पाई है। फैक्ट नंबर 2, पर्ल यानी कि मोती किसे नहीं पसंद, ये सीप के अंदर बनता है। इसे 2 तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसके नेचुरल तरीके पर बात करेंगे। जब सीप के कवच
का एक टुकड़ा सीप के अंदर चला जाता है या एक पैरासाइट सीप के कवच में छेद करके अंदर घुस जाता है। तब इस पैरासाइट से बचने के लिए सीप नेकर नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करता है। ये नेकर उस कीड़े को पूरी तरह कवर कर लेता है। सालों तक वो कीड़े पर लाखों लेयर बनाता रहता है जिससे बनता है मोती। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मोती को आप इतने शौक से पहनते हैं दरअसल इसमें एक कीड़ा दफन रहता है। फैक्ट नंबर वन, क्या आपने कभी किसी को बिच्छू से जहर निकालते देखा है? नहीं तो अब देख लीजिए, ये लोग लाखों बिच्छू की खेती करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ी ही सावधानी से बिच्छू का एक एक बूंद जहर निकाल रहे हैं। इस जहर का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में किया जाता है। इसकी एक लीटर की कीमत 84 करोड़ रुपए होती है। एक बिच्छू न केवल 2 मिलीग्राम जहर निकाल पाता है, ये लोग बड़ी ही सावधानी से जहर निकाल रहे हैं ताकि बिच्छू उन्हें काट न ले। इसे देखकर लग रहा है कि वाकई ये दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहे। धन्यवाद।